नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में, जहां हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको लाया हूं बिल्कुल ठीक लखनऊ के अंदर आबादी के बीच में। रेजिडेंशियल प्लॉट्स है और कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। आप जैसे देख सकते हो, एक आइडिया लग सकता है कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ प्रॉपर ट्रैफिक चल रहा है, और सामने यदि आप देखें तो एक BCC ग्रीन की बिल्डिंग है। BCC की फुल फॉर्म क्या है सर? बालाजी कंस्ट्रक्शन करके जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्हीं के अपार्टमेंट्स हैं। और ये हम हैं फैजाबाद रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर। फैजाबाद रोड कहाँ? मटियारी चौराहे से, मटियारी जो चौराहा लगता है फैजाबाद रोड से, वहां से लगभग 3 किलोमीटर पे हैं। और ये जगह लगती है 9 बस्ता। सब डिटेल में हम बात करेंगे वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ कि हम किन के साथ हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं SP मौर्या, मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ पिछले 5 साल से। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि भाई तरुण, आप बहुत बाहर की वीडियो दिखाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, तो देखिए आपको हम लखनऊ के सेंटर में लेके आए हैं। यदि आपको हाईकोर्ट जाना हो, यदि आपको हजरतगंज जाना हो, यदि आपको शहीद पथ पकड़ना हो, तो सब कुछ पास में ही होने वाला। जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये मटियारी से आप चलते हो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं, मटियारी चौराहा फैजाबाद रोड से, जिसको हम अयोध्या रोड बोलते हैं आज की डेट में। ये देवा रोड है सामने। देवा रोड की दूरी कितनी होगी सर? 800 मीटर है यहाँ से सर। 800 मीटर की दूर पे देवा रोड है, और ये सीधे जो रोड आ रही है, ये होते हुए सीधे इंदिरा नगर चली जाती है। इंदिरा नगर आपको ये सेक्टर 11 मतलब मुंशी पुलिया के पास निकालेगी। ये इस रोड को क्या कहते हैं सर? 9 बस्ता रोड। 9 बस्ता रोड है, और जो हम प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाले हैं, ये मेन रोड पे ही होने वाली है। जो आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, ये साइड पे ही है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ बन रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, दोस्तों बहुत मोटिवेट होते हैं। हमें ऐसा लगता है जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके काम आ रहा है। दोस्तों, यदि अभी तक नहीं किया, तो सबसे पहले आप नीचे देखिए एक बटन है सब्सक्राइब करने का, वीडियो के नीचे उसको क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग कहते थे कि तरुण हमें शहर के अंदर चाहिए, तो शहर के अंदर ही वाली साइट है। हम साइट के अंदर आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बाउंड्री जो है, बाउंड्री के अंदर आ गए, सामने मेन रोड है, एक गाड़ियां चल रही है। साइट लगभग 4 बीघे की होने वाली दोस्तों, बहुत बड़ी नहीं है। यदि आपको ये लोकेशन समझ में आ रही हो, 9 बस्ता एरिया लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फैजाबाद रोड से जो मटियाड़ी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि BCC की बिल्डिंग यहाँ पे है, दावूड्स एक अपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी लार्ज स्केल में और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, ये सामने वाली जो रोड है सीधे जा रही है इंदिरा नगर। यदि आपको इंदिरा नगर निकलना हो, तो आपको फैजाबाद रोड होकर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसी रोड से आप जा सकते हैं। ये सीधे आपको यदि आइडिया हो तो मुंशी पुलिया पड़ता है, आप वहीं से कनेक्ट हो जाएंगे, ही होते हुए मुंशी पुलिया में निकल जाते हैं, होते निकल जाते हैं। तो सर, पहले आप ये मेरे को बताइएगा, ये साइट पे आप क्या क्या डेवलप करके देने वाले हैं? सर, ये सबसे पहले तो ये जो लगभग 4 बीघे का एरिया है, चारों तरफ से बाउंड्री से कवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो है हमने मेन रोड से 2 रोडें निकाल दी है, 30-30 फीट की, 30 फीट 30 फीट चौड़ी रोडें निकाल दिया है, और इसमें आमने सामने मकान बनेंगे। प्लॉट साइज क्या क्या रहेगा? प्लॉट साइज हमने जो है फेसिंग में पूरब फेस और पश्चिम फेस। ओके, रोड आपने कितनी चौड़ी बताई? रोड सर 30 फीट चौड़ी है। ओके, पूरब फेस और पश्चिम फेस के प्लॉट निकलेंगे। प्लॉट साइज जो है 25x50, 1250 स्क्वायर फीट के हैं। ओके, और इसके बाद हमने जो है फ्रंट में जो है 5 कमर्शियल प्लॉट निकले हैं, जो ये मेन रोड गई है, मेन रोड गई है, इस मेन रोड से जो है आप अटैच। मैं फ्रंट आपको इस तरह से बताऊं, शायद आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, ये वॉल हट जाएगी, क्योंकि इसी वॉल के पीछे मेन रोड है। जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं, प्लीज एक बार दिखाइएगा भैया, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये हम बाउंड्री के अंदर आ गए हैं, ये कॉमर्शियल है पूरा प्लॉट, और इसका फ्रंट देखिएगा इधर की तरफ, सामने ये वॉल हट जाएगी। तो एक ये है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल इसके पीछे है, अभी मैं आपको इधर भी दिखाऊंगा, उधर की तरफ भी कॉमर्शियल है। तो मेरे को सर ये बताइएगा कि यहाँ की रजिस्ट्री कहाँ पे होगी? सर, ये नगर निगम में है पहली बात तो। अच्छा, लखनऊ नगर निगम के अंदर की जमीन है, और ये लखनऊ सदर में आता है, कैसरबाग में इसकी रजिस्ट्री होगी। कैसरबाग में इसकी रजिस्ट्री होगी। दोस्तों, लोकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। मैं अपना एक रिव्यू देता हूँ आपको, आबादी के बीच में है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको अपार्टमेंट्स दिखा चुका हूँ। सामने देखिए, नॉर्मल जो इंडिविजुअल घर होते हैं, कॉलोनी होती है, पीछे आपको दिख रहा है।
आप यदि गूगल भी करोगे नौबस्ता देवा रोड, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, ये बहुत बड़े डेवलपर हैं जिनकी ये लैंड थी, अब उसको सेल कर रहे हैं। ये पूरी लैंड एक साथ सेल ना करके इसमें पूरी प्लॉटिंग करके सेल कर रहे हैं। हॉट एरिया है क्योंकि बड़े बड़े डेवलपर्स आपके अगल बगल बैठे हुए हैं। ये आपको आसानी से ई रिक्शा, टेम्पो सब चीज़ें मिलती हैं आपको कहीं भी जाना हो। और ये जैसे आपको बार बार बता चुका हूँ कि मटियारी चौराहे से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हम बैठे हैं, देवा रोड से 800 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। यदि हम यहीं से सीधे चलेंगे मेन रोड से जहाँ से हम लोग अभी आए हैं, ये जहाँ पे साइट है, ये सीधे आपको लगभग 5 किलोमीटर चलना होगा सर जी। और आपको इंदिरा नगर के अंदर आप एंट्री कर लोगे। ये आपको सेक्टर 11 सेक्टर 14 जो इंदिरा नगर में लगता है मेट्रो स्टेशन के, मेट्रो स्टेशन जो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ पे निकल जाएंगे जिसे हम तकरोई भी बोलते हैं। ये रोड सीधे जाके वहीं से कनेक्ट भी हो रही है। तो यदि आप लोकेशन वाइज देखें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं रेट की, क्या रेट होने वाला है सर? सर जो यहाँ पर कमर्शियल एरिया है वो हम 4500 रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। ओके। और उसके अलावा जितना भी रेजिडेंशियल एरिया है वो सब 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट, 3200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा, रेजिडेंशियल आपका 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट का है और आपका कमर्शियल 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट का है जी। दोस्तों आप ये रेट इसलिए है, आप समझिएगा कि बाहर नहीं है, साइट भी सेंटर में है, बिल्कुल हॉट प्लेस पे बैठे हुए। बड़े बड़े डेवलपर्स इस लैंड को परचेस करना चाहते थे, लेकिन जैसे कि जिनका डेवलप जिनकी साइट है जो साइट को डेवलप कर रहे हैं उनका यह था कि नहीं हम उसको प्लॉटिंग करके ही सेल करेंगे। तो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक रोड कटी है, थोड़ा सा मैं आपको दूँ, ये लगभग कितनी चौड़ी है? 30 फीट चौड़ी है सभी। यहाँ पे दो रोड हो रही हैं जो मेन रोड से अंदर आएंगी, ये एक रोड ये है, एक रोड प्लीज भैया उधर दिखाइएगा जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक रोड ये है। तो आपको दो रोड मिलने वाली है। जो इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लीज इधर दिखाइएगा भैया, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इस बाउंड्री के पीछे रोड बनी हुई है, ये बाउंड्री यहाँ से हट जाएगी तो सीधे सीधे इस रोड का भी कनेक्शन मेन रोड से होगा और ठीक उधर वाला भी कनेक्शन मेन रोड से हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए अभी ये बाउंड्री नहीं हटाई गई है, लेकिन आज की डेट में आप देखो तो लगभग 8 फुट ऊंची चौथ तरफ से बाउंड्री बनी है। प्लीज एक बार दिखाइएगा भैया, आप इधर देखना चाहें यहीं से शुरुआत करिए आप, ये देखिए बाउंड्री पूरी साइड की चारों तरफ से बनी हुई है। आप इधर भी देख सकते हो, सामने भी आप देख सकते हो, चारों तरफ से। तो तीन तरफ से बाउंड्री रहेगी, सामने से बाउंड्री हटा दी जाएगी जिससे कि ओपन एरिया मिल जाए कॉमर्शियल जो लैंड परचेस कर रहे हैं उनके लिए, और साइट में आने के लिए रोड कनेक्ट हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। यदि आप चाह रहे हो कि आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा वेट मत करिए, नीचे मोबाइल नंबर है तुरंत कॉल करिए, क्योंकि मे भी हो सकता है ये पूरी की पूरी साइट एक हफ्ते में सेल आउट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी साइट नहीं है, ये 4 बीघे की है। और जैसे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था जहाँ हम वीडियो शूट करते हैं ऑलरेडी बाउंड्री हो चुकी है। तो कॉमर्शियल लगभग कितनी बची होगी अभी? अभी हमारे पास 4 प्लॉट कॉमर्शियल बचे हैं। अच्छा, जिनका एरिया जो है वो लगभग 4200 स्क्वायर फीट है, 50x80। अच्छा, मेन हाईवे पे 50 फीट का फ्रंट है, अंदर को 30 फीट वाली रोड पे 80 फीट है। ओके, और यदि हम पीछे प्लॉट की बात कर लें उनका एरिया कितना होगा? जो प्लॉट है वो 25x50 1250 स्क्वायर फीट का। मिनिमम कितना रहेगा? 1250 स्क्वायर फीट मिनिमम है। मिनिमम है। मैक्सिमम की यदि बात करें? मैक्सिमम में फिर 2 प्लॉट ले सकते हैं, 5000 जितना उनको चाहिए वो उसको ऐड करते चले जाएंगे जी। ओके दोस्तों, आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।